चुटकियों में रोते गुजरते जा रहे हैं यार सब। बाघ कीड़े बाहर निकल आए हैं बाघ। और ये फिर तनवीर ने जुगाड़ करके दिया है मुझे ये खन्ना पुल। अब यार खन्ना पुल से कपड़े उठा के लाने हैं वहां से। बड़े बड़े घर हैं यार, बड़े मजे मजे के घर हैं। चेक करो अभी यहाँ से कपड़े वगैरह चेक करते हैं। और चेक करो ये देखिए कितना प्यारा है, कढ़ाई हुई हुई है बहुत प्यारी। कितना घेर है हेलो गाइस, दिस इज मी रजत दानिश, वेलकम बैक विद एन अदर व्लॉग। सो आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। बिल्कुल हर से होंगे अलहमदिल्ला, मैं भी ठीक ठाक हूँ यार। उम्मीद है आप लोगों के रोजे अच्छे अच्छे गुजर रहे होंगे। और आज सातवां रोजा है माशाल्लाह से, और रोजों का पता ही नहीं जा रहा है किस तरह गुजर रहे हैं। चुटकियों में रोजे गुजरते जा रहे हैं यार, समझ नहीं आ रही रोजों का। इतना मजे का बबरकत महीना, बाबरकत महीना इतना मजे का जो है ना खत्म होने वाला है। तो इसको इग्नोर करें, ये जो है ना मेरे व्लॉग का स्टार्ट जो है ना हमेशा गलत करवाता है, और इसको मैं भी इग्नोर करता हूँ। सही ठंडा ठंडा मौसम हुआ है, चेक करो सही मजे मजे की बारिश हुई है। यार ये फजूल बातें करता है। और यार मैं एक बात सोच रहा था कि मतलब हम लोग अफ्तारी करने के लिए या सहरी करने के लिए हम बाहर गए ही नहीं है यार। मैं तो हालांकि रमजान जब शुरू हुआ था मैंने प्लान किया था। मैं गया था बाहर। कहाँ बाहर गया था? घर वालों के साथ बाहर गया था अफ्तारी। यार यार छोड़, मैं आपस में बात कर रहा हूँ, हम दोस्त वगैरह हम लोग। हालांकि हमने रमजान जब शुरू हुआ था मैंने प्लान किया था कि हम लोग सहरी के लिए भी बाहर जाएंगे, सही अच्छी सी जगह पे अफ्तारी के लिए भी बाहर जाएंगे और व्लॉग बनाएंगे। हमारे जो दोस्त है उन्हें ना घर वालों के साथ प्यार है, इसलिए वो घर वालों के साथ अफ्तारी करते हैं। सारों को ही प्यार है घर वालों के साथ, सिर्फ दोस्तों को प्यार नहीं, हमें भी घर वालों के साथ बहुत ज्यादा प्यार है। पर यह कि जाएंगे यार नेक्स्ट व्लॉग, मेरा दिल है कह रहा हूँ, मेरा दिल है कि नेक्स्ट व्लॉग जो है हम लोग कल सहरी बाहर करने जाए अच्छी सी जगह पे, और वहाँ पे व्लॉग बनाए और अफ्तारी उसके अगले दिन एक दो दिन बाद मतलब अफ्तारी का व्लॉग बनाए। सो बहुत ही मजा आएगा। तो बाकी यार ईद की शॉपिंग वगैरह शुरू कर दी आप लोगों ने, आप मुझे कमेंट में बताओ। हम लोगों ने शुरू नहीं की, हम लोग क्यों चल लेना मार, हम लोगों ने अभी शुरू नहीं की। इंशाल्लाह दो चार दिनों बाद वो भी व्लॉग आप लोग करने लगे सारों के लिए। क्या करने लगे? क्या करने लगे? गिफ्ट अवे करने लगे। गिफ्ट अवे, गिव अवे कपड़े लोगों को देंगे जो अच्छा मोनेटाइज करेगा। चवले मारा एक नंबर की। और ये बंदा मुझे कह रहा है जी, इसने स्टॉल तो लगाया हुआ है, कह रहा है जी लेडीज के कपड़े वगैरह भी लाते हैं। और ये मुझे आज बोल रहा है अभी के दिन के टाइम मतलब कि सो के जब हम उठेंगे 12-1 बजे उस टाइम पे हम लोग जाएंगे, कह रहा है जी इसके कजन की शॉप है पता नहीं कहाँ पे, कारखाना है कपड़ों का कारखाना है, वहाँ से कपड़े वगैरह उठा के लाते हैं। कहते हैं वो भी चेक करते हैं क्या सीन है उनका, और वो भी सेल करते हैं। तो बाकी चेक करेंगे क्या सीन है। और ये पीछे गुड़ी रखी हुई है, शर्म कर किसी की आई है गुड़ के कह रहा हूँ यार। मैं सारे लफ्ज आज गलत बोल रहा हूँ, मुझे समझ कुछ भी नहीं आ रहा, मैं हर चीज गलत बोल रहा हूँ। और ये मेरी रिंग लाइट बिल्कुल टूट चुकी थी यार, ये बड़ा मुझे अफसोस हो रहा है इसका। ये हरा जल चुकी है, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये काला हुआ है ना, ये जल चुकी है अंदर से जो है। मैंने डायरेक्ट स्विच में लगा दिया था इसका, ये आगे से टूट गई थी और मैंने डायरेक्ट स्विच में लगाई है ना, तो ये सड़ गई है। और ये फिर तनवीर ने जुगाड़ करके दिया है मुझे, ये ट्यूब लाइट थोड़ी छोटी सी लगा दी है इसने। और यकीन मानो उससे ज्यादा अच्छा रिजल्ट अब मेरे फेस का आता है, बिल्कुल चिट्टा दूध फेस आता है मेरा अब। इसका फेस देखना है ना तो लाइव में आ जाए करें, टिकटॉक की लाइव फेस रोजाना देखते हैं ये लोग मेरा। तो बाकी है कि शॉपिंग वॉपिंग आप लोग बताओ कमेंट में, आप लोगों ने कर ली है तो इंशाल्लाह हमारी शॉपिंग भी दो चार दिनों बाद स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अभी हम लोग थोड़ा सा जो है ना स्टॉल वगैरह की तरफ रात को मसरूफ होते हैं, दिन को टाइम निकाल के ही जाएंगे शॉपिंग वगैरह करने के लिए। आज तो पौधों को कुदरत की तरफ से पानी मिला हुआ है, कुदरती तौर पर अल्लाह ने इनको पानी दिया, सही बारिश से मजे के हो गए हैं। तो बाकी है कि अभी यार थोड़ी देर जो है ना लाइव वाला काम कर लेते हैं। इस टाइम पे जो है ना आपको मैंने पहले भी बताया कि इस टाइम पे गोरे जो है ना हमारा इंतजार कर रहे होते हैं कि ये लोग आएंगे और हमारे साथ गपे शपे लगाएंगे, उनका भी टाइम पास नहीं होता बिल्कुल भी हमें देखे बगैर निकल। सो अभी थोड़ी देर लाइव वाला काम कर लेता हूँ और उसके बाद जो है ना व्लॉग को कंटिन्यू करता हूँ। 2 hours later अभी लाइव के चक्कर में ना 9:30 हो चुके हैं, मतलब इतना ज्यादा टाइम 2 घंटे गुजर गए हैं हमारे जो है। अभी मैंने क्या व्लॉग को दोबारा से कंटिन्यू करते हैं, और अभी जो है मुझे बहुत सारी नींद आई हुई है और अभी सोने वाला मेरा सीन जो है ना शुरू होने वाला है। और ये बंदा जो है ना कह रहा है जी अभी वो कपड़े वहाँ से उठा के लाने जाते, ये कह रहा था, तब मुझे समझ में नहीं आ रही कि इसको दिल कर रहा है मुझे अकेला ही भेजूँ, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ नींद आई हुई है, बहुत सारा नींद आई हुई आंखों से मेरी अंदाजा आप लोगों को हो रहा होगा कि मुझे बहुत तेज़ नींद आई हुई है। और रात को तकरीबन 2 ही घंटे सोया हूँ मैं, और अभी ये कह रहा है जी पता नहीं कहाँ से कौन सी जगह खन्ना पुल, आप कह रहा खन्ना पुल से कपड़े उठा के लाने हैं वहाँ से, और नामुमकिन सी बात लग रही है मुझे। पर ये क्या करूँ यार, जाना तो पड़ेगा, अब इस नमूने को अकेला भी नहीं भेज सकते। अच्छा ये बाइक लेके आ गए, अभी हम लोग जा रहे हैं खन्ना पुल, कह रहे हैं खन्ना पुल में कोई कारखाना वगैरह है इसके कसन के,
तो बस वहाँ से कपड़े वगैरह उठा के लाने हैं, फिर वहाँ पे हमें पता नहीं अभी कौन से कपड़े हैं कैसे हैं, तनवीर कह रहा है, तो वहाँ पे जाके देखेंगे किस तरह के कपड़े हैं क्या सीन है। तो फिर अभी पेट्रोल वगैरह डलवाना है, बाइक बाइक में पेट्रोल बिल्कुल भी नहीं है, अभी बाइक में पेट्रोल डलवा के फिर हम लोग पहुँचेंगे खन्ना पुल और वहाँ से पहुँचेंगे डायरेक्ट घर। तो यार अभी एक घंटे के बाद हम लोग जो है खन्ना पुल पहुँच गए हैं, मतलब जहाँ पे हम लोगों ने आना था। और ये तनवीर साहब अभी क्या तू काले वाले कर रहे हैं, ये वाला घर है जहाँ पे हम लोगों ने आना था, ये वाला घर है। और अभी इसने पता नहीं किया घर से कि क्या सीन है, अभी पता लगे जी वो घर ही ना हो बंदा जिसके पास आया। फोन करके आया था, फोन कर, चल शुक्र है करके आया था, एक अकल वाला काम तूने किया है। और इधर बहुत बड़े बड़े घर हैं यार, बड़े मजे मजे के घर हैं, ये चेक करो पूरी पूरी कोठियाँ, कोई सही वी आई पी इलाके में रहता तेरा कदन है। ये तो कह रहा था घरहाना है, घरहाना है, और ये घर है घर। तो अभी यहाँ से देखेंगे क्या सीन है अंदर, अगर मैं टेक ले सका तो लूँगा, अगर ना ले सका तो घर में जाके आप लोगों को दिखाऊंगा कपड़े शपड़े और क्या सीन है। तनवीर पे यकीन भी नहीं है ना, पता नहीं घर से तो कह के आ गया कपड़े वगैरह, तो अभी पता लगे यहाँ पे मोए मोए हो जाए कोई सीन हो ही ना। सो अभी यहाँ से देखते हैं क्या सीन है, तो बस फिर आप लोगों को घर जाके दिखाएंगे क्या सीन बना है। अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं और कपड़े चेक कर रहे हैं कि कौन कौन से लिए जाएँ। सो बाकी ये कि अभी यहाँ से कपड़े वगैरह चेक करते हैं और उसके बाद हमारा आधा घंटा घंटा यहाँ से लगेगा और मजीद, और उसके बाद फिर जाएँगे डायरेक्ट घर। सो यार बहुत सारे नींद पूरी करके अभी उठ चुका हूँ। वहाँ से हम लोग जो है ना दिन के 3 बजे आए थे, सुबह 9:30 बजे हम लोग गए थे और वहाँ पे हमारी बहुत ज़्यादा देर लग गई यार, और दिन को 3 बजे वापस वहाँ से आए थे। तो मैं बस फिर इतनी नींद चढ़ी हुई थी ना मुझे, तो मैं फिर सो गया हूँ। और टाइम आप लोग देख सकते हो कभी क्या हो रहा है, वो चेक करो, 6 होने वाले हैं। और अभी मेरी थोड़ी देर पहले 5-10 मिनट पहले आँख खुली है, और फिर मैंने कहा यार ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं आगे। और ये कपड़ों का हम थैला वहाँ से भर के लाए हैं, और ये भी आपको मेरा पता ही है कि मोटरसाइकिल में कितना मुश्किल से हम लोग लाए हैं खन्ना पुल से। और तनवीर जो है अभी भी मतलब के खड़ा है वहाँ पे, स्टार लगा के खड़ा है, उससे मैंने मना किया, मैंने कहा यार सो जा तू भी और मैं भी सो जाऊँगा, क्योंकि मेरा तो सर दर्द कर रहा था बहुत ज़्यादा, तो मैं तो आगे सो गया था। और वो बेचारा जो सोया नहीं है अल्लाह जाने, वो कह रहा जी मैं स्टार लगाऊंगा, और अब पता चले कि लगाया उसने सही कहा, पता मुझे नहीं है उसका लगाया कि नहीं लगाया। सो बाकी ये कि यहाँ से फ्री होकर 5-10 मिनट तक मैं उसकी तरफ चलता हूँ, देखते हैं क्या सीन है उसका। और पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ थोड़े कपड़े वगैरह यार, कि किस टाइप के कपड़े हैं यहाँ पे। मुझे तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे यार, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे कपड़े। तो देखते हैं, अम्मी से पूछते हैं कि अम्मी को भी अच्छे लगे, अम्मी ने देखे हैं पता नहीं क्या। नहीं अम्मी, अम्मी आती हैं जब तक कपड़े खोलता हूँ यार। ये कपड़े आपने देखे हैं पहले? देखे तो हैं, मैंने कहा बच्चों के हैं ये, बड़े हैं। हमने खुद, मैंने तनवीर को बोला कि यार लेने हैं तो अगर बच्चों के लेते हैं, बच्चों के बिकते भी हैं, बड़ी लेडीज के कहाँ बिकते हैं यार कपड़े। अब ये देखो किस तरह पड़े हुए हैं, ये इनको प्रेस भी हमें करना पड़ेगा। बीच में तो चलो शापर शूपर में पड़े हुए अच्छे हैं, फैंसी हैं, अच्छे हैं, पर ये कि नहीं फायदा ना इस तरह के, बच्चों के जल्दी बिक जाते हैं। माशाल्लाह अच्छे कपड़े हैं, ये कलर बड़े प्यारे प्यारे हैं इसमें, बड़े ही अच्छे अच्छे कलर हैं। ये चेक करो, ये शापर में पड़े हुए हैं जो, ये देखो ये है इसमें, ये है इसमें, है बड़े अच्छे अच्छे हैं। पर बात वही आती है कि हम लोगों ने कभी ये काम किया नहीं ना, और तनवीर का फर्स्ट एक्सपीरियंस है, देखते हैं क्या होता है यार। वो ले आया बस सुनी सुनाई बातों पे अमल करना शुरू हो जाता है वो। ये देख लो, ये एक सूट बहुत प्यारा था आपने देखा, वो मैं इसलिए लिया था मैंने कि आप पहने, कौन सा वाइट, वाइट कलर का था एक, वो मैंने प्यारा था वो दिखाएं, वो मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो मैंने कहा जी अम्मी पहन लेंगी, क्योंकि वो अच्छा सूट था, सबसे महंगा भी और अच्छा भी है ये वाला, मुझे बहुत पसंद आया सूट वहाँ पर, क्योंकि और कोई सूट ऐसा नहीं है ये मैंने स्पेशल लिया, मैंने कहा अम्मी को अच्छा लगेगा। पर रेड चलवा रहा है, मुझे मुश्किल लग रहा है कि आपको पसंद आए, क्यों रेड चलवा रहा है, नहीं पसंद आ रहा ना? बात नहीं, दुपट्टा वाइट ले लूंगी ना, दुपट्टा वाइट ले लें। और बहुत प्यारा है ये देखे, कितना प्यारा है, कढ़ाई हुई है बहुत प्यारी, बटन भी लगे हुए हैं बहुत प्यारे प्यारे, बहुत प्यारी। आपको सही पसंद आया दिल से? हाँ चलो अम्मी को शायद मुझे लग रहा है पसंद आ गया, वाकई सच सच में मुझे डाउट था, क्योंकि अम्मी लाल कलर की सलवार वाला पहनती नहीं है। ये सूट भी बड़ा डिसेंट है, कितना प्यारा है, है। ये कपड़ा देखें कितना प्यारा है, ये देख करें गले देखें कितने डिजाइनिंग बने हुए हैं, बिल्कुल जैसे अम्मी मेरी बनाती हैं सही, वो लैसें वगैरह लगा के। और ये देखें इसकी भी लैस वगैरह लगी हुई है, और इसमें भी तकरीबन हम लोग जो है 45 सूट लेके आए हैं। हमने कहा यार कि तनवीर कहता है लगा देते हैं ईद के दिनों में शायद दिख जाए, तो कहते हैं यार एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये भी एक्सपीरियंस करना चाहिए क्या हो सकता है। तो आप इतना दूर चले गए थे, हमने कहा आप लेके जाएंगे, वैसे मेरा दिल नहीं था वहाँ जाके, क्योंकि पसंद नहीं आ रहे थे ना सूट बिल्कुल भी। ये अम्मी को लगता है पसंद आ ही गया थोड़ा बहुत, तो बाकी सारे सूट इसमें पड़े हुए हैं। ये देखो और भी कलर मजे मजे के हैं, मोमिन में से कोई एक खोलो, कोई एक सूट खोलें आप, ये खोल दें ये वाला, हाँ देखे ना एक खोल के लगाते हैं ना, तो प्यारे हैं। हाँ ये देखें कितना ज़बरदस्त है, फ्रॉक बनी हुई है, ये चेक करो कितना घेरा है, प्यारा है क्यों ना, हाँ, बहुत प्यारे हैं।
जबरदस्त सूट है माशाल्लाह। इसमें और भी कलर पड़े हुए हैं, इसमें ये ब्लू कलर की फ्रॉक है, इसमें ये ब्लू कलर की है, ये वाली है, ये पिंक कलर की है, सारी प्यारी हैं। मतलब रेडीमेड कपड़े है ना, सिलाई की टेंशन ही नहीं है ना, सिलाई वलाई वाला काम ही नहीं है। ये चेक करो ये कलर कितना जबरदस्त है, ये लिजर्ड कलर है, लिजर्ड कलर की हो ना, डिसेंट कलर है, मतलब क्या ये सूट भी डिसेंट है, ये बिल्कुल मुझे डिसेंट से लगे हैं, बिल्कुल नॉर्मल है ना। आ जाओ सिस्टर खड़ी है बाहर, आ जाओ जी, कोई टेंशन नहीं है, मैं आपको कैमरे में नहीं ला रहा। पर ये है, मुझे लग रहा है लार्ज साइज है, मुझे लग रहा है मीडियम है, एम लिखा हुआ है, यमी का पूरा होगा, हां पूरा होगा ना, पर सादा बहुत है ना ये, अच्छा नहीं है, सादा है क्यों। अब मैंने ये बेड पे लगाए हैं, अच्छे लग रहे हैं कपड़े, तो अभी मैं चलता हूं तनवीर की तरफ, ठीक है ठीक है, आप जाओ, वगैरह करके रख दे बेशक, और मैं चलता हूं तनवीर की तरफ यार, रोजे खुल रोजा खुलने में सिर्फ 15-20 मिनट रह गए हैं, और मैं चलता हूं तनवीर की तरफ, और इधर पकौड़े वगैरह बन रहे हैं बड़े मजे मजे के। अभी मैं आ चुका हूँ तनवीर की तरफ, और तनवीर ये नीचे आ चुका है, और तनवीर भाई जड़ी लगा ली थी आपने, वो स्टाल लगाया था, हाँ अभी अभी बंद किया, तो मैंने कहा आराम कर लेता, तूने आराम नहीं किया, फिर भी सब कमाने पैसे तो फिर आराम क्या करें, दिहाड़ी लगानी थी है ना। वो कपड़े मेरी अम्मी को बड़े पसंद आए हैं, अच्छे लगे हैं हमें, तो मुझे तो पसंद आए थे कपड़े मेरी अम्मी को, अच्छे लगे हैं काफी। अच्छा वो अम्मी के लिए जो व्हाइट सूट लाया वो भी बड़ा पसंद आया, कहती अच्छा है, पहले कह रही थी लाल सलवार आई है, फ्राक अच्छी लगी है, मेरी बहन ने भी एक फ्राक रख ली है अपने लिए, ये घर में ही मार लेते रहेंगे तो फिर बाहर क्या भेजेंगे हम लोग। तो बाकी यार ये है कि अफ्तारी का टाइम बिल्कुल होने ही वाला है, 5-7 मिनट रह गए हैं, टाइम दिखा बल्कि अभी पता चलेगा टाइम कितना रह गया, 24 वो देखो 6:24 हो गए, और इसकी गली में मैं फजूल में खड़ा हूँ, टोटल 4 मिनट रह गए हैं, 5 मिनट रह गए अफ्तारी में, और मैं इसकी गली में खड़ा हूँ, और बेहद करें घर वाले, तो बस मैं भागता हूँ घर, और तनवीर भाई ठीक है बाय बाय, मैं चलता हूँ घर, ठीक है, तो बस चलते हैं अफ्तारी करते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं यार। A few minutes later. अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी वगैरह कर ली है, बिल्कुल अफ्तारी के टाइम पे मैं घर पहुंचा हूँ, वहाँ से भाग के आया हूँ, और अफ्तारी वगैरह भी कर ली है, और मगरिब की नमाज भी अदा कर ली है अभी, और ये चावल वगैरह भी खाने लगा हूँ, बस इनको चावलों को फिनिश करके, बड़े मजे के चाइनीज चावल बने हुए हैं, तो इनको फिनिश करके फिर जो है ना फिर चलते हैं तनवीर की तरफ, वहाँ पे देखते हैं क्या सीन चीन है, जो कपड़े छपे लाए उसका क्या हिसाब किताब है। सो अभी मैं कहता हूँ उस ब्लॉग को यहाँ पे एंड, उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों का ब्लॉग पसंद आ गया होगा, अगर ब्लॉग पसंद आए तो कमेंट में जरूर बताएं, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे नए नए ब्लॉग तब तक पहुँच सके। सो बाकी मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।